टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और प्रशासन की टीम ने आज बसपा नेता की फैक्ट्री से पशुओं की चर्बी और हड्डी से तेल निकलने के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया। टीम ने अवैध कारखाने से करीब 4000 लीटर चर्बी से बना तेल बरामद कर कारखाने की भट्टियों को नष्ट करवा दिया और कारखाने पर भी सील लगा दी। इस कार्रवाई पर चर्बी हड्डी के गोरख धंधे में लगे धंधेबाजों में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर जिला प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय उनको खबर मिली कि कोतवाली बुलंदशहर क्षेत्र के हीरापुर में बसपा नेता की फैक्ट्री में अवैध रूप से चर्बी गलाकर तेल निकालने का धंधा चल रहा है। प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट विवेक मिश्रा की अगुवाई में तत्काल पॉल्यूशन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। फैक्ट्री में विशाल भट्टिया और चर्बी से बने तेल के ड्रमों का अंबार देखकर अफसरों की आंखें खुली की खुली रह गई। टीम ने जेसीबी बुलाकर भट्टियों को तुड़वाया और चर्बी से निकाले गए तेल को जब्त कर लिया। टीम ने इस अवैध कारखाने में चर्बी से निकाले गए तेल के 18 ड्रम बरामद किए। ड्रमों में चर्बी वाले तेल की मात्रा करीब 4000 लीटर बताई जा रही है। इसमें कल रात को जो है जिलाधिकारी महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति सियाना रोड पर अवैध रूप से हड्डी गला करके चर्बी बनाने का काम कर रहा है और जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है और वायु प्रदूषण हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था जांच के लिए। रात में हम और सीओ सिटी साहब यहाँ आकर के इसको चेक किए तो यहाँ बड़े पैमाने पर चारों तरफ हड्डियाँ फैली हुई थी और लगभग 31 ड्रम जो है सील्ड रखे हुए थे, जिसमें से 18 ड्रम में 200 लीटर के ड्रम थे, 1800 ड्रम में वो चर्बी भरी हुई थी और शेष 13 ड्रम जो है खाली पड़े हुए थे। तीन भट्टियाँ थी जिसमें से एक भट्टी जो है चर्बी गलाई जा हड्डी गलाई जा रही थी और दो भट्टियों में तैयारी थी चर्बी गलाई जाने की। सर लगभग कितने समय से फैक्ट्री चल रही है? ये पॉल्यूशन की टीम को बुलवाया गया तो उन्होंने बताया कि सितंबर में इनके विरुद्ध कार्रवाई करके इसको तोड़वाया गया था, भट्टियों को तोड़वाया गया था, पुनः इनके द्वारा जो है भट्टियों को संचालित कर लिया गया है, काम चलाया जा रहा है अवैध रूप से। सर इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है और पब्लिक में भी काफ़ी आक्रोश यहाँ फैला हुआ है। सर ये चर्बी गलाकर जो ड्रम में भरते हैं इसकी खपत कहाँ करते हैं? ये अलग अलग उत्पादों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन बनाने में या जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनके निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्या ये ढाबे में भी तो बेचा जाता है क्या? नहीं, अब इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं कि कहाँ ये व्यक्तिगत रूप से कहाँ इसको ले जाते हैं। सर ये बताया जा रहा है बसपा नेता आए हैं महेंद्र सागर। हाँ, महेंद्र सागर का नाम इसमें आ रहा है, साहब बगल में उनका मकान भी बना हुआ है, उन्हीं के अहाते में ये फैक्ट्री चल रही है। उनकी पत्नी के नाम पूर्व में जो है ENGT द्वारा आदेश दिया गया था तो उस समय भी आकर के इसको बंद कराया गया था। ऐसा है कि यहाँ पर जानवरों की हड्डी लाई जाती है, उनको यहाँ तीन भट्टी हैं, तीन भट्टियों में जानवर की हड्डी गला के चर्बी निकाली जाती है और चर्बी को ड्रम में है उनमें इकट्ठा किया जाता है। तो इसकी कहाँ खपत होती है इनकी? इनकी चर्बी की इन लोगों ने बताया है कि ये साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में दिया जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्या ये ढाबों में की सप्लाई की जाती है तेल के रूप में? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बताया है, केवल ये साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को जाता है। कितने ड्रम इसमें पकड़े गए हैं? ये इसमें ड्रम 18 वर्तमान में 18 18 ड्रम है 200 लीटर वाले। इससे पूर्व में भी यहाँ छापे पड़ा था? हाँ, एक बार पहले 11 सितंबर को यहाँ पे छापा पड़ा था और केन के माध्यम से भट्टी तोड़वाई गई थी और हिदायत दी थी कि दोबारा से ये इसका संचालन नहीं करेंगे और इन्होंने एक हफ्ते बताया है कि एक हफ्ते पहले दोबारा से भट्टी का संचालन शुरू कर दिया था। अब आज इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्या मुकदमा भी दर्ज होगा इनके पंचीगत? मुकदमा की भी कार्रवाई की जाएगी और भट्टियों को सबसे पहले तोड़ा जाएगा। अच्छा। और ड्रम वगैरह सील किए जाएंगे और नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और जेसीबी मशीन बुलाई गई है? जेसीबी मशीन से भट्टियाँ तोड़वाई जाएंगी, जेसीबी मशीन आ गई है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि चर्बी वाले इस तेल की आपूर्ति साबुन और डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनियों को की जाती है, यानी साबुन और सर्फ को चिकना बनाने के लिए पशुओं की चर्बी से निकाले गए तेल का प्रयोग किया जा रहा था। पॉल्यूशन और प्रशासन की टीम ये भी पता लगाने में जुटी है कहीं चर्बी वाले इस तेल की खपत होटल और ढाबों पर तो नहीं थी। हालांकि ये तो अभी जांच के गर्भ में है, लेकिन सवाल ये है कि लंबे अरसे से चले आ रहे इस धंधे की भनक प्रशासन को आखिर क्यों नहीं लगी। एक लीटर चर्बी वाले तेल की कीमत 30 रुपए बताई जा रही है। चर्बी से तेल बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक बसपा नेता महेंद्र सागर फरार बताया जा रहा है। महेंद्र सागर बसपा शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी रह चुका है।
खास बात यह है कि चर्बी से तेल निकलने वाली इस फैक्ट्री को एक माह पूर्व भी बंद करवाया गया था। इसके बावजूद फिर से इस फैक्ट्री में चर्बी गलाने का काम किसकी शह पर शुरू किया गया, ये जांच का विषय बना हुआ है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।